कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चलते हैं। कहाँ? चलते हैं। मेरे को नहीं पता था, मुझे तो पता था कि तुम मैजिक शो देखने जा रही हो। मैजिक शो? अच्छा, ये दिखाओ। मैजिक शो देखी हो कभी? मैजिक शो देखिए, मैजिक शो तुम ही दिखाती हो ना सिर्फ? हाँ, मैं दिखाती हूँ फिर। तो मैजिक शो जाना है कि नहीं जाना है? मैजिक शो पहले बताओ। जाना है। जाना है, जाना है। तुम लोग किसको जाना है? मेरे को जाना है। सब तैयार होकर बैठे हुए मैजिक शो जाने के लिए। हम लोग भी चलते हैं फटाफट से, मैजिक शो देखते हैं और आज के इस दिन को एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक टू एमएल लाइव। विदाउट मेरे फेस कैसे हो सकता है? वेलकम बैक टू एमएल लाइव। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। मैं किस तरफ जाना है? गाजियाबाद की तरफ है, नियर सिप्रासन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसको मैं लोकेशन लगा लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक जबरदस्त वाली लड़ाई हुई है दोनों की। क्या लड़ाई हुई है वेदिका? हाँ, बैठने की। बहुत शोर मचाती हो तुम, बहुत तेज। अरे मैं कुछ भी ने शुरू किया था। अच्छा, तो जो लड़ाई करेगा उसको जादूगर शो के बाहर रख दिया जाएगा, डायनासोर के पास। जादूगर उसको गायब कर देगा। जादूगर उसको गायब कर देगा, डायनासोर से एक्सचेंज कर देगा। हम लोग डायनासोर को लेके आ जाएंगे। पोस्टर में डायनासोर लगा हुआ है, तो चलिए देखना। उसी पोस्टर में एड्रेस देखेंगे, ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा वैसे। अच्छा, कहीं पे पोस्टर लगा हुआ वहाँ रुक के हमें एड्रेस देखना पड़ेगा। हाँ, वही पोस्टर देख देख के तो जादू देखने का सब कुछ दिमाग में चढ़ गया। और सामने ही पोस्टर लगा हुआ है रोड पे, मेन रोड पे, ओपी शर्मा। चलिए एड्रेस देखते हैं सबसे पहले। धूप अच्छी निकली है, घर में इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और बाहर गाड़ी में सबसे ज्यादा सही लग रहा है। गाड़ी में चारों तरफ से हीट हो जाता है। से छोटा जगह होता है, गर्म लगता है बड़ा। मतलब जब गर्मियां पड़ती हैं तेज वाली, तो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो कैसा लगता है, एकदम बॉयल बॉयल फील होता है ना। तो ठंडियों में वही, उससे ऑपोजिट फील हो रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गाड़ी गर्म है तो मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के। सबसे मजेदार गाड़ी तो यही वो बोर्ड है जिसको देख के हम लोग ओपी शर्मा का शो देखने जा रहे हैं। और ये लेकिन 3:30 बजे से हम लोग थोड़ा पहले निकल गए लगता है। एड्रेस तो देखो, एड्रेस देखो, एड्रेस देखो, एड्रेस देखा, एड्रेस देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। तो हमने मैप लगा दिया है, हमें एड्रेस मिल गया है। अब हम लोग चल रहे हैं उपाध्याय गाजियाबाद नेहरू नगर में है। तो हम लोगों ने मैप लगा दिया उसमें। वैसे आइडिया तो नहीं है हमें उस जगह का, उधर हम लोग कभी गए नहीं है ना, तो आइडिया नहीं है हमें, कभी नहीं गए एक्चुअली। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तो गए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन तक ही गए। तो उसी के आसपास ही होगा, उसके आसपास का ही लोकेशन है, तो मिल जाएगा आई थिंक। मैप लग गई है, ऑडिटोरियम है तो ऑडिटोरियम तो मिल ही जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं फटाफट से। वैसे 3:30 का सुबह 2 ही बज रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा मस्ती कर लेंगे हम लोग, उसके बाद शो देखेंगे। बन जाते हैं। तो इस पोस्टर का पीछा करते करते हम लोग इस पोस्टर के पास पहुंच गए जहाँ पे ये शो होने वाला है। आई थिंक अब सिर्फ 6 मिनट बच गया है, 16 मिनट का रास्ता हमने कवर कर लिया, बस अब पहुंचने वाले हैं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? यस, माय गॉड, ये कैसा एक्साइटमेंट था। यस, इतना ठंडा गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, अभी रेस्ट मोड में, टांग पसार दिए वेदिका। सो जाओ, एक टिकट नहीं कटना पड़ेगा, तुम कार में ही छोड़ देंगे। हाँ, और क्या। नहीं, इसको थोड़ी सी जर्नी के लिए भी लेटना चाहिए। हाँ। तो फाइनली बोर्ड का पीछा करते करते हम लोग पहुंच गए, और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है। बड़े वाले बोर्ड के मेन रोड पे ही एकदम बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अरे वाह, चलो जादूगर ओपी शर्मा। ओह माय गॉड, खतरनाक वाली तैयारी है। एकदम कलरफुल साइंस सिटी लग रहा है तुमको ये? हाँ। अच्छा, जैसा लग रहा है। ओके, ऐसे ही छोड़ दे। 3 साल से ऊपर वाले बच्चों का, क्योंकि वो सब गोल सीट पे लेना ही पड़ेगा ना। 400 रुपए का टिकट, 250 रुपए का, 150 रुपए का, तो लिया जाए टिकट। छोड़ो ना, अब क्या देख ही ली जादूगर, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। छोड़ो, चलते चलते यही देख लो 150। तो ये मैंने टिकट ले लिया है रॉयल का, मतलब सबसे आगे आगे के 4-5 रो रॉयल है जो 400 रुपए का है। अच्छा, तो ले लिया है। हाँ, आप लोग जाइएगा जादूगर से मिलने के लिए, ठीक है ना।
यहाँ देखिए ओपी शर्मा से मिलने, ओपी शर्मा जूनियर से मिलने के लिए। 600 में टाइम है अभी, तो वहाँ पे 3:30 से एंट्री होगी, 20 मिनट बचे हुए हैं। तो बाहर भुंजा मिल रहा है, हम लोग भुंजा खरीद खा रहे हैं। क्या ले रही हो? भुंजा। चटर पटर। तो पार्किंग अब बढ़िया जगह है, ये सबसे अच्छी चीज है। और एंट्री अब स्टार्ट हो गई, 3:20 में एंट्री स्टार्ट हो गई, 3:30 का शो है। चलो अंदर। क्या वाह, हमारे मुख्यमंत्री जी भी है यहाँ पे, है योगी आदित्यनाथ जी। मैजिक बॉक्स भी बिक रहा है। Yes, वहाँ खाने पीने की चीज मिल रही है। क्या लिया था तुम? मैंने बुक लिया था मैजिक सीखने वाला। ऑडिटोरियम तो बढ़िया है ना? ऑडिटोरियम अच्छा है, अंधेरा है, थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, बट ये ऑडिटोरियम अच्छा है। ये पर्दा अभी खुलेगा, शो स्टार्ट होगा। हमें सीट ले लिया है, हमारा आगे का तीसरा रो है, बाकी पीछे तक बहुत सारे रो है। इतना बाहर का झालमुड़ी खाने के बाद भी पॉपकॉर्न और चिप्स चाहिए, मतलब पॉपकॉर्न और ये क्या है, ये भी कॉर्न ही है। कॉर्न है, ये पॉपकॉर्न है। बाहर झालमुड़ी थोड़ा सा लिए थे, थोड़ा सा अंदर खा सकते हैं। शो शुरू नहीं हुआ, हमारा पॉपकॉर्न खत्म हो गया। सायरन से शुरुआत हो रहा है, पुलिस के सायरन। ग्रेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मेडिसिन ओपी शर्मा। वाह क्या बात है, मूवी दिखाएंगे, जादू दिखाएंगे लाइव। ये ओपी शर्मा जूनियर ओपी शर्मा है, ये ओपी शर्मा है ओरिजिनल। इसका बेटा दिखाता है जूनियर ओपी शर्मा, वो भी हो सकता है हो। ओपी शर्मा का हिस्ट्री बता रहा है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर इसका मेडिसिन इतना ट्रिक दिखा सकता है। शर्मा जी आ रहे हैं। वेदिका पीछे हो गई है, क्यों मरती हूँ? वेदिका, हमने तो सिर्फ 2-3 बच्चों को बुलाया था और यहाँ लाइन लगी पड़ी है। कोई बात नहीं, हमारे थे लोग ऐसे ही लाइन खड़ी करते थे। बच्चों को भेज दिया गया है। वेदिका तुम क्यों नहीं गई? वो बहादुर नहीं है, वो बोलना चाहिए ना मैं बहादुर बच्ची हूँ। जाती हूँ वहाँ पे, तुम मंच पर डर गई, स्टेज पे चली गई, बड़ी बात है। क्या तरीका था भाई, मजा आ गया। ट्रेवल करने का तरीका बहुत अच्छा था। बेहतरीन ट्रेवल के बाद हम लोग पैटीज खा रहे हैं, जो हॉल के अंदर ही बिक रहा है। कैसा है पैटीज? ठीक है, ठीक है। आइटम डांस हो रहा, आइटम डांस, आइटम डांस शो का शो। तो कैसा लगा? सारी देखा था, awesome। बढ़िया, मजा आ रहा है। हमने लास्ट टाइम जो देखे थे ना, लास्ट टाइम 7-8 साल पहले देखे थे ओपी शर्मा का, उसमें सीनियर ओपी शर्मा भी थे, सीनियर ओपी शर्मा नहीं था, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग शो अच्छा बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं। दो सवा दो घंटे के शो में मतलब मन लगता रहता है, मतलब बच्चों को तो मन लगता ही है, बोर फील नहीं होगा। हाँ बोर फील होता है, मतलब नए नए चीज भी दिखाई, डायनासोर को भी स्टेज पे लेके आ गया।
तो कुछ चीजें हमें तो पता है, ट्रिक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सब चीज म्यूजिक का, सब चीज का तालमेल इतना बढ़िया बनाते हैं। और ये बिल्कुल लाइव शो है, लाइव कोई कट नहीं है, कोई रीकैप नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। बढ़िया सो लगा, अच्छा एकदम फ्रंट पे सामने होते जा रहा है म्यूजिक के साथ, बहुत मतलब अल्टीमेट है। चलिए सो खत्म हो गया, हम यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं, देखते हैं या तो घर नहीं तो रास्ते। तो हम लोग अभी डिनर के लिए बैठ गए हैं, बैगन का भरता और आलू गोभी की सब्जी और रोटी। हमने सोचा घर जाने से अच्छा है रास्ते में खा के चलते हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं था, आप घर पे खाना बनता भी खाते हैं, डिनर करके फिर घर जाते हैं, फटाफट से डिनर करते हैं, थोड़ा सिंपल खा रहे हैं हम लोग रास्ते में। वेज ढाबा में तो डिनर हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर। और नींद आ रही है, ठंड बहुत है, और गाड़ी में तो ठीक लग रहा है, अभी भी हीटर चल रहा है, तो गाड़ी के बाहर बहुत जबरदस्त ठंड लग रही है, ठंड कान वाल लाल हो जाता है। तो अभी ओपी शर्मा का जादू भी हमने बहुत एंजॉय कर लिया, सो जाएंगे तो इसे अच्छा रास्ते में ही पेंडिंग कर देते हैं घर से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बोलो जादू देखी भी है, जादू सबको था, वेदराज तो मैजिक शो पहले देखे हुए थे छोटे में, अब वेदिका भी देख ली, अब मैजिक शो नहीं देखेंगे।